दिखा रहा हूँ ना। क्यों नहीं दिखाया पहले? पहले तो उन लोगों ने कहा था अब आपको दिखाओ, लेकिन मुझे भूल गया, फिर आप दिखाओ। अच्छा भूल गया, भूल गया, कोई जवाब देना नहीं आया भाई। देखो यार यहाँ पे तो पहला पहला बच्चा है यार, पप्पी दिया यार मेरे अबू ने इसको पप्पी दिया। दोस्तों आज हम देखने वाले शिराजी विलेज व्लॉग का एक नया व्लॉग जिसका टाइटल है फाइनली पापा का फेस रिवील्ड। ये इनके पापा का फेस रिवील करने वाले, मैं एक्साइटेड उसके लिए। फैजान फर्स्ट टाइम देखने वाला है इनका व्लॉग, अभी तक इसने एक भी व्लॉग इनका नहीं देखा है। मैं फर्स्ट टाइम देखने वाला हूँ, फर्स्ट व्लॉग ही जो होगा वो पापा का फेस रिवील वाला होगा। लेट्स सी भाई, इनके पापा को अब तक नहीं देखा भाई, कौन है इनके पापा जिन्होंने इतना प्रोडक्टिव बच्चा पैदा किया है। देखते भाई अभी गो। ये क्या बोल रहे थे भाई, ये भाई ये बर्बारी ये कादियाना है, मतलब ये हर व्लॉग में बोलते हैं और ये दोनों भाई बहन ही बोलते हैं लाइन। अब आज इसका मतलब मुझे समझा दो। बिल्कुल यार, इसका मतलब समझा। बर्बारी ये शायद उनकी वहाँ की लैंग्वेज का कुछ वर्ड है, तो आप इसका मतलब समझाना मुझे। मैं हर बार सुनता हूँ, सुनने में बहुत अच्छा लगता है ये, लेकिन समझ नहीं आता कह क्या रहे हैं। तो आगे देखते हैं, मुझे पहले लगता था ये उर्दू में ही बोल रहे हैं, लेकिन ये कोई और लैंग्वेज है भाई। अभी तो आप अच्छी तरह सलाम करता हूँ, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम वालेकुम अस्सलाम। आपकी जबान में कहते हैं जी नानी, ये नानी बन नानी। मेरा हर वीडियो हंसी मजाक वाला होते नहीं, ये वीडियो हंसी मजाक वाला नहीं है, ये वीडियो बहुत सीरियस है। आप सब ने मुझे कहा कि आपने अपने अबू को क्यों नहीं दिखाते, आपने अबू दिखाओ। आज मैं अपने अबू को दिखा रहा हूँ, मैंने दिखाना था लेकिन अबू वीडियो में नहीं आ रहा था, तो आज तो वो मान गया है, आज वो वीडियो में आएगा। तो अभी वो तो घर में नहीं, तो अभी वो तो खेतों में होगा, खेतों में देखते हैं। चलो मेरा मेरा चाचा भी मेरे साथ मौजूद है, मजाक मजाक नहीं है। आज तो चाचा लिए थे, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? बहुत छोटा चाचा है। हाँ बहुत छोटा है। साथ दो, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ भाई, आज तो सीरियस वीडियो। अच्छा आप यहाँ क्या कर रहे हैं? वीडियो बना रहा हूँ। मैं तो वीडियो बना रहा हूँ ना, आप नहीं है, आपके साथ है ना। अच्छा अच्छा, आप मुस्कान, आप जल्दी सलाम करो। इनका और ज्यादा क्यूट लगता है इंट्रो। अच्छा बर्फबारी, बर्फबारी होता रहेगा। ये मौसम ही खराब कर दिया यार। देखो मेरा अबू तो हमेशा खेतों में पानी लगाते हैं, फिर लकड़ी काटते हैं, हमारे खेतों में पानी लगाते हैं, फिर लकड़ी काटते हैं, ऐसा ही करते हैं मेरे अबू। ये देखो मैंने आपको कहा था वीडियो में एप्रिकॉट बोनो मौसम होने वाला है, तो एप्रिकॉट बोनो मौसम हो गया है। इतना खूबसूरत खेत यार, यार इस साल गर्मी हुआ बेबी, पहाड़ी एरिया भाई ये पता नहीं। और मुस्कान आइंदा बर्बादी मत कहो, ठीक है? क्यों नहीं, आप हर वक्त नहीं नहीं कहते हो यार। और मैं आपको यहाँ पे एक चीज दिखाता हूँ, इसको हमारे जबान में कहते हैं जी रेंठक, ये रेंठक है जी, इसमें आटा पीसते हैं हमारे। अच्छा चक्की, इस वक्त ना भीजे आ गए है ना, इसलिए ये रेंठक बन है। पहले जमाने में ये रेंठक उर उर कर चलाता था, ये पानी से चलते हैं, हाथों की चक्की होगी करके, यहाँ से पानी आते हैं रेंठक में। ये देखो फिलहाल तो, ये देखो फिलहाल तो ये बंद है अभी। तो फाइनली मैं आपको अपना अबू दिखाने वाला हूँ, तो फाइनली उधर वो मौजूद है, मुझे दिख रहा है, देखो खेत को पानी लगा रहे। आपके ख्याल में मेरा अबू अच्छा होगा या क्या होगा, आपके ख्याल में क्या होगा आप बताओ, फिर मैं दिखाता हूँ। मैंने तो अपना अबू नहीं दिखाना था, आपने कहा, आप लोगों ने कहा अपना अबू दिखाओ, इसलिए मैं आपको। देखो यार आज
ये लोग गैराज के इतने सारे हवा आ रही है, देखो जोर जोर से हवा आ रही है। तो फाइनली मेरा बूदर है उधर से मुझे नजर आ रहा है, तो फाइनली मेरा बूदर मुस्कान को देखो यार ऊपर चढ़ रही है भाई, बता रहे इसको मेरा बूदर है। अबू मुझे आवाज दे रही है, देखो हम उनसे मिलवाते हैं, देखो 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 हवा बहुत चल रही है भाई। हवा की काफी आवाजें आ रही हैं। उधर है यार मेरा अबू, तो काफी ठंडा मौसम लग रहा है भाई वहाँ पे, सर्दी रहती है उधर तो, बर्फीला है यार। मेरा अबू तो उधर मौजूद है जी, जाते हैं खामोश खामोश कर जाते हैं। उधर है जी मेरा अबू, ये बर्फ ही पड़ी हुई होगी है ना? नहीं बर्फ नहीं है, ये पेड़ों से गिरा पत्तियां फूल वगैरह होंगे कुछ। देखो पेड़ देखना पूरे पत्ती नहीं है किसी में, सूखे हो रहे हैं। ज्यादा सर्दी में ऐसे ही हो जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम शिरा साहब, यहां मैं से लेने आया हूं। वीडियो तो नहीं बना रहे आप? देखो मेरा अबू इधर है, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? बेटा मैं यहाँ पे ना, मैंने आपको बताया था ना घर में, मैं खेत को पानी देने के लिए जा रहा हूँ, ज्यादा हवा चल रही है आज तो आपने नहीं आना, आप फिर भी यहाँ पे आ गए। मैं तो आपसे मिलाने के लिए आया हूँ, उन साथ ने कहा आपने अबू को दिखाओ, मैंने अबू अबू को दिखाया। ओ माशाल्लाह माशाल्लाह, तो अगर आपने आज दिखा ही दिया है तो मेरी तरफ से आपके तमाम सब्सक्राइबर फॉलोअर्स को बहुत बहुत सलाम। वालेकुम सलाम, सब तमाम लोगों का मैं तहे दिल से मशकूर हूँ कि आप लोगों ने मेरे बच्चे को इतना प्यार दिया, मतलब हम सोच भी नहीं सकते थे कि मेरा बेटा इतना फेमस होगा, तो यकीनन ये अल्लाह पाक का करम है जी, तो बहुत बहुत शुक्रिया। और शिराज आपका भी शुक्रिया, आपने मुझे इस काबिल समझा कि अपने वीडियो में लिया, तो आपका बहुत शुक्रिया भाई। और आप क्या कहना चाहेंगे? और आपका भी शुक्रिया मेरे व्लॉग में आने का। ओ नहीं नहीं, नहीं आपका शुक्रिया, आप इतने फेमस हो फिर भी आपने मुझे अपने व्लॉग में लिया, आपका। लेकिन वैसे एक सवाल पूछ रहा हूँ आपसे जी, आपने इतने सारे लोगों को दिखाया अपने व्लॉग में, मुझे आपने कभी नहीं दिखाया पहले? आज दिखा रहा हूँ ना। क्यों नहीं दिखाया पहले? पहले तो उन लोगों ने कहा था हाँ। अब अबू दिखाओ, लेकिन मुझे भूल गया, फिर आप दिखाओ। अच्छा भूल गया, भूल गया, कोई जवाब देना नहीं आया भाई। तो आइंदा से मैं इंशाल्लाह आपके व्लॉग में आता रहूं, फिर क्या करूं? फिर तो आप बनाओ ना, आप बनाओ ना। मुझे तो बनानी आती नहीं है। आती है ना, आप पहले तो बनाता था फिर मुझे आ गया ना। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह सलामत रखे बेटा आपको, मुस्कान को भी अल्लाह खुश रखे, आप दोनों की जोड़ी को लोग बहुत पसंद कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह इसी तरह से अच्छे अच्छे व्लॉग्स बनाते रहें। ठीक है ठीक है, अपने गांव के लोगों की आप मदद करते रहें, अच्छे अच्छे आप अपने गांव की खूबसूरती लोगों को दिखाएं, प्यार मोहब्बत करना सिखाएं लोगों को। ठीक है ठीक है, और आपको बहुत सारे बच्चे माशाल्लाह से फॉलो करते हैं, तो कोशिश करें कि आप उन बच्चों को भी ना आप कोई ना कोई हर एक ब्लॉग में अच्छा पैगाम दें उनको ना, तो बेस्ट ऑफ लक बेटा, थैंक यू थैंक यू। और कुछ कहना है मैंने? और कुछ पता नहीं पता नहीं। ओके थैंक यू थैंक यू, अल्लाह हाफिज़ कहो इन लोगों को। अबू वैसे आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? अच्छा बेटा मैं ना ये खेतों को पानी देने के लिए आया था जी। जैसे कि हम इंसानों को प्यास लगती है ना, प्यास लगती अच्छा। है इसी तरह से इन पौधों को भी पानी की जरूरत होती है ना। अच्छा खराब है मुस्कान ने बनवा दे, क्या 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 मौसम खराब है? बिल्कुल मौसम ऐसा लग रहा है और ज्यादा खराब हो रहा है। हाँ और ज्यादा हवा चलना चालू हो गई है। अबू अभी पानी दे रहे हैं या खत्म हो गया? हाँ अभी पानी दे रहे हैं या खत्म हो गया? जी अभी पानी दे दिया ना, यहाँ से जा रही थी ना पानी हा? तो अभी खत्म हो गया, अभी मैं पानी का रुख यहाँ से चेंज कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा पानी, पानी खत्म हो गया है। अबू को देखो आज ना पानी बहुत कम थी ना यहाँ पे,
तो मैं दूर गया हूँ, बहुत दूर जाके पानी ले आया हूँ ना। अच्छा। तकरीबन 2 से 2.5 घंटे लगे मुझे ये पानी ये नेचुरल पानी है भाई। नेचर का पानी है, नेचर का पानी है, बर्फ का पानी है। हाँ, क्या आ रहा ऊपर से? ये मतलब कोई कुआ या बोरिंग का पानी नहीं है। शिराज, वैसे आपके सब्सक्राइबर्स फॉलोअर को हमारे गांव में कैसे लगते हैं? उनको उनको तो भी अच्छा लगता है। अच्छा लगता है जी। आपके सब्सक्राइबर फॉलोअर अच्छे हैं या नहीं? अच्छे तो हैं, थोड़ा थोड़ा है। थोड़ा थोड़ा अच्छे, थोड़ा थोड़ा ज्यादा अच्छे नहीं है। अच्छा जी। क्या लोग करते हैं, पसंद नहीं करते आपको? पसंद तो थोड़ा थोड़ा करते हैं ना जी। थोड़ा थोड़ा करते भाई, हम तो बहुत पसंद करते हैं आपको। पता नहीं मुझे क्यों, क्यों पता नहीं मुझे क्यों थोड़ा थोड़ा पसंद करते हैं। आपकी सब्सक्राइबर्स को फॉलोअर्स को नाराज तो नहीं होगा ना वो लोग, क्योंकि आज मैं आपके व्लॉग में आया हूँ। नाराज तो नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। वो लोग खुश होगा, खुश होगा जी। बड़ी खुशी की बात है भाई ये तो। अच्छा, बाकी ये देखिए शिराज, मैंने इस खेत को पानी दिया था, आप देखिए। अच्छा, इस खेत को इसको मैंने पानी दिया था, अभी क्या करने हो आप? बस जाना है अभी तो, मैंने जाना है घर, तो घर जाना है ना। आज तो बहुत हवा चल रहा है इसलिए मैंने जाना है। देखो यहाँ पे कपड़े सुखा के रखा है और मेरे अबू ने खेत को पानी लगाया है और ख़त्म होके जा रहा है। देखो अबू अबू, ये बड़ा कब हो जाएगा? हाँ हाँ, अबू का आवाज नहीं गई लगता है। अबू ये बड़ा कब हो जाएगा? मैं ये खेत, ये इंशाल्लाह ना अभी मजीद 3 से 4 महीने लगेंगे, ठीक है ना? ठीक। फिर तकरीबन अगस्त के महीने में हमारे यहाँ पे गंदम की कटाई होगी। हमारे यहाँ पहाड़ों में सर्दियाँ ज्यादा होती है ना जी, तो इसलिए यहाँ पे साल में एक ही दफा फसल यहाँ पे हमें मिलती है ना। अच्छा। तो पंजाब जो मैदानी इलाकों की तरह इसका यहाँ पे नहीं होता, ठीक है? यहाँ पे साल में सिर्फ एक ही दफा फसल पकती है। अच्छा। ठीक है बेटा, ये देखो ये खेत अभी छोटा छोटा है, कुछ दिन बाद ये बड़ा बड़ा हो जाएगा मेरे खेत भी। ये देखो ये सब मेरे दोस्त है यहाँ आया हुआ है, देखो ये सब मेरे दोस्त। देखो यार यहाँ पे तो पहला पहला बच्चा है यार, पप्पी दिया यार मेरे अबू ने। पप्पी दिया अबू, आपको पता है ये सारे मेरे फैन था। कौन? ये सारे मेरे फैन था। अच्छा जी। ये तो बहुत सारे फैन है, आपको स्टार है ना? मेरे बहुत सारे फैन है, अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं। ठीक बाबूजी, अब्बा जी, ये सब क्या कर रहे हैं ये बाबूजी? ये हमारे मोहल्ले के, हमारे गांव के ना बहुत अच्छे है बाबा जी। अच्छा। मैं इनको देखता हूँ हर वक्त ये मेहनत करते हैं, ठीक है ना? अच्छा। ये इस उम्र में भी काम करते हैं, क्या काम करते हैं आपको दिखाऊं? ये देखिए जी, माशाल्लाह ये उन्होंने अपनी मेहनत से ये सारी टोकरियां उन्होंने बनाई है, ठीक है ना? क्या बात है। हाँ, ये टोकरियां नहीं है, बास्केट है, सॉरी। तो ये बास्केट बनाते हैं और इसको बनाने में ना, बनाने में इसको पूरे एक दिन लगते हैं। एक दिन? हाँ, एक एक दिन लगते हैं। आप बाबा जी और मुझे दोनों दिखाए ना, विश्वास इनको गिफ्ट चले है ना, जाग चुको तुम्हें फेत होता है। तो बाबा जी कह रहे हैं शिराज, इनको बनाने में ना बाबा जी को एक दिन, मतलब एक दिन से भी ज्यादा लगते हैं। अच्छा। फिर जाके एक बास्केट तैयार करते हैं, फिर वो इस बास्केट को दूसरे गांव में लेके जाते हैं, दूसरे जो विलेजेस है ना। अच्छा। आस पास के उनमें लेके जाते हैं, वो ये खेती बाड़ी के लिए काम आते हैं, तो उधर जाके वो भेज देते हैं। अच्छा। क्या बात? इनके कितने प्राइस बनते हैं आपको पता है? शाम दौजुदुल्ला 800-900। ये देखें जी, 800-900 रुपए बड़ी मुश्किल से ये लोग कमाते हैं। अच्छा। लेकिन मेहनत करने से नहीं शर्माते, बहुत मेहनती लोग हैं जी हमारे गांव के, माशाल्लाह। यहाँ ठीक है, कभी ठीक होता। और देखें जी, यारी उम्र कितना है? 70 साल। माशाल्लाह, ये देखें जी इतना मेहनत करते हैं ये बाबा जी, ठीक है ना? इतना मेहनत करते हैं, फिर अल्लाह का करम देखें, ये 70 साल की उम्र में भी इनकी सेहत देखें, माशाल्लाह। क्या बात है, माशाल्लाह। थैंक यू, लव यू। आज मैंने अबू को दिखाया, आपको मजा आया होगा। अल्लाह लव यू।
अच्छा लगा भाई इनके अब्बू को देखकर, और इनके अब्बू भी माशाल्लाह देखने से ही लग रहा है बहुत अच्छे इंसान है और बहुत हाँ स्वीट स्वीट है। तो बहुत अच्छा लगा उन्होंने अपने बच्चों की जो परवरिश की है बहुत अच्छे से की है भाई। बिल्कुल, और उन्होंने व्लॉग में बात भी बहुत अच्छे से की और काफी अच्छी अच्छी बातें उन्होंने की, और उनके बेटे को भी काफी अच्छी चीज उन्होंने इतने प्यार सिखाई। से चीजें बता रहे थे तो बिल्कुल बच्चा समझेगा, नहीं तो क्या करेगा भाई। बच्चों को बिल्कुल प्यार से समझाना पड़ता है तभी हाँ, और समझते हैं। जब वो बोल रहे थे तो जब भी वो बोल रहे थे उनके फेस पे एक स्माइल थी, तो वो एक बहुत प्यारी चीज थी, और बच्चे को उन्होंने बहुत प्यारी चीज समझाई कि आप इतने फेमस हो गए हो तो आपको अल्लाह का शुक्र अदा करना है, और अपने व्लॉग में अच्छा अच्छा पैगाम देना है, अच्छी अच्छी बातें बतानी है, गांव का जो नेचर है ब्यूटी वो बतानी है। तो अच्छी चीज़ें उन्होंने समझी, और इतने अच्छे से उन्होंने बोला कि ऐसा लग रहा था कि वो पहली बार आई नहीं है व्लॉग में, है ना। तो बताना दोस्तों आपको कैसे लगा आज का ब्लॉग। अच्छा लगे तो लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब भी करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल टिल देन देन मेक मेक लव लव नॉट नॉट वॉर। वॉर।